नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ छाया वर्मा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक होली विशेष कहानी जिसका शीर्षक है निर्दोष अपराधी। हर त्यौहार हर किसी के लिए खुशियाँ लेकर नहीं आता, कभी कोई गम में भी डूब जाता है। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे होली के त्यौहार में खुशियों के बजाय गम मिला, चोट मिली। आइए सुनते हैं। प्रताप सक्सेना एक ऊंचे सरकारी अफसर थे। पत्नी अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर तौर तरीके वाली स्त्री थी। मित्रों और रिश्तेदारों के बीच काफ़ी सम्मान था इनका। शानदार सरकारी आवास मिला था रहने के लिए। तीन बच्चे थे, दो बेटियां नवीं और सातवीं कक्षा में पढ़ती थी, छोटा बेटा चौथी कक्षा में पढ़ता था। बहुत सुखी परिवार था, पर नियति जब क्रूर होती है तो क्रूर कुछ नहीं देखती, बस क्रूर होती चली जाती है। दमा के पुराने मरीज प्रताप सक्सेना दिल के दौरे से अपनी जिंदगी हार गए। मिसेस सक्सेना पर जैसे पहाड़ टूटा, मित्र रिश्तेदार सब सकते में। पत्नी ने धैर्य का परिचय दिया। मित्रों की मदद से सिर्फ मैट्रिक पास उनकी पत्नी को पति के स्थान पर एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल गई और रहने के लिए एक छोटा सा सरकारी आवास भी। शोक में शामिल होने के लिए आई छोटी बहन इंदिरा ने एक दिन उनसे कहा, दीदी देख रही हूँ कि मोहित हर वक्त खोया खोया सा रहता है, खिड़की पर खड़ा रहकर बस बाहर देखता रहता है। रानू और बिट्टू के साथ कभी कभी खेलता है, क्यों न मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊं? रानू बिट्टू के साथ बहला रहेगा तो पापा का गम कुछ कम हो जाएगा दीदी। वहां स्कूल में नाम लिखवा दूंगी, इसके मौसा जी पढ़ा दिया करेंगे, तेरी चिंता भी कम हो जाएगी। मिसेस सक्सेना कुछ देर सोचती रही हैं, फिर मोहित का सामान पैक करना शुरू कर दिया। मोहित मौसी का लाडला था, इसलिए फौरन तैयार हो गया और खुशी खुशी उनके साथ गोरखपुर चला गया। यहाँ रानू और बिट्टू के साथ उसका मन लग गया। रोज बड़े मन से स्कूल जाता और शाम को रानू के साथ खूब खेलता। बस एक बात उसे खलती थी, सब तो बेडरूम में सोते थे लेकिन उसे रूम के बाहर बरामदे में सुलाते थे। पहले तो उसे अकेले डर लगता था, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। कुछ दिनों बाद उसे पहला आघात तब लगा जब एक दिन पढ़ाते समय किसी गलती पर मौसा जी ने उसे कई चांटे जड़ दिए। अभी चाटों का दर्द भूल भी नहीं पाया था कि दूसरा आघात उसे तब लगा जब उसने देखा कि उसकी प्यारी मौसी उससे छुपाकर रानू और बिट्टू को चॉकलेट दे रही थी। मोहित को तब परायेपन का एहसास हुआ। पापा की बहुत याद आई, मम्मी की याद आई, दोनों दीदी को याद करके खूब रोया। धीरे धीरे बाजार से छिटपुट सामान लाना उसकी ड्यूटी में शुमार हो गया। आइस ट्रे में आइस ना होता तो मौसा जी के ताने सुनने पड़ते। काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। स्कूल में कभी टेस्ट होता तो गणित के कम अंक देखकर मौसा जी झुंझलाते, किसे उठा लाई हो,
ये नहीं पढ़ने वाला, बेकार में हम बदनाम होंगे, वापस भेज दो इसे। अब मोहित को उस परिवार में अपनी औकात का पता चल गया। वो सबसे कटा कटा रहने लगा। रंगों की बौछार लेकर होली आई तो थोड़ी रौनक उसके चेहरे पर भी आई। उसका प्यारा त्योहार, उसके पापा का प्यारा त्योहार, उसे रंग खेलते पापा नजर आने लगे। मन घबराया तो मौसी के पास आ गया। देखा मौसी गुजिया बना रही थी और रानू और बिट्टू पास ही बैठे थे। आ गुजिया, कहता हुआ वो भरावन की ओर लपका, पर अगले ही पल रुक गया। अनमना सा फिर वापस बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया, बीती मधुर बातों में खो गया। कुछ ही देर बाद गुजिया तलने की खुशबू से सारा घर भर गया। वो रसोई की ओर आया तो देखा रानू और बिट्टू दोनों एक एक गरम गुजिया खा रहे थे। कुछ सोचकर पलट गया और फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने सोचा था कि मौसी उसे आवाज लगाएगी, पर वो इंतजार ही करता रह गया। मौसी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो सोचकर आंसू बहाता रहा। जैसे जैसे रात होती गई उसका मन गुजिया के लिए बेचैन होता रहा। आखिर रात का खाना खाकर सब सो गए, उसे गुजिया नहीं मिली। मोहित को नींद नहीं आ रही थी। जब उसे लगा कि सब गहरी नींद में सो गए होंगे तो वो धीरे से उठा। दबे पांव अंधेरे में टटोलता हुआ स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगा। एक बड़े से भगोने का ढक्कन बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ से दो गुजियां निकाली और ज्यों ही ढक्कन वापस रखने चला, तेज आवाज करता हुआ ढक्कन जमीन पर गिर गया। आवाज सुनकर मौसा जी मौसी जी के साथ आ गए और लाइट जला दी। डर और शर्म दोनों भावों ने घेर लिया उसे। नजरें नीची हो गई, गुजिया हाथ से गिर गई। मौसा जी चीखे, तो ये भी गुण आता है, और एक नहीं दो दो गुजिया। घबराकर बच्चा रोने लगा। अब रो क्यों रहा है, कहते हुए उन्होंने एक भरपूर चाटा उसके गाल पर रसीद करना चाहा, तो मौसी की सोई हुई ममता जाग गई। बीच में आकर उन्होंने सीने से चिपका लिया अपने भांजे को। इसका कोई कसूर नहीं, निर्दोष है ये, सारी गलती मेरी है, इंदिरा ने कहा। तुम अपनी बहन से फोन करो, बहन को फोन करो, आकर ले जाए इसे, ऐसे तो मेरे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, मौसा जी ने कहा। कहा ना सारा कसूर मेरा है, इंदिरा बोली। आज सबने गुजिया खाई, यहां तक कि मैंने भी चखी, आपने भी खाई ना, पता नहीं कैसे मैं इसे भूल गई। आखिर बच्चे का मन नहीं माना। मोहित मेरा बच्चा, माफ कर दे मुझे, सॉरी बेटा। इंदिरा उसका माथा चूमने लगी। और आप इसे मारने चले थे, पढ़ाई के लिए मारना और बात है, लेकिन एक गुजिया के लिए इतनी हद कर दी आपने। इंदिरा ने उसी समय एक प्लेट में गुजिया निकाली और उसे खिलाने बैठ गई। पर मोहित मौसी के सीने से दुबका सिसकता रहा,
कहता रहा मम्मी के पास जाना है। इंदिरा की बाहों में सिसकता रहा मोहित। शायद आज सिसकियों में ही वो सुकून तलाश रहा था। ये कहानी बस यहीं तक। आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।